आपको जो प्ले स्टोर पर मिल जाएगा 4.5 की रेटिंग की साथ में, और इसमें से जिन जिन लोगों ने इस ऐप को यूज किया है सभी लोगों ने इसको 5 स्टार की रेटिंग दी हुई है। भाई रेटिंग देने लायक है एप्लीकेशन, क्योंकि मैंने खुद इसमें अकाउंट ओपन किया है। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा एप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पर इंस्टेंटली आपको लिमिट मिलती है, और हाँ उस लिमिट को हम बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और सबसे अच्छी खास बात यह है कि इस एप्लीकेशन के अंदर जो भी हमको लिमिट मिलती है वो 30 दिन तक ब्याज फ्री होती है, ठीक है। मतलब 30 दिन तक आपको किसी भी प्रकार का कोई भी ब्याज नहीं लगता है। तो ये कमाल का एप्लीकेशन है दोस्तों, कमाल का पे लेटर है। चलिए मैं इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में जानकारी बता देता हूँ, ठीक है। और आपको मैं अपना अकाउंट भी का जो डिटेल है वो भी आपको दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ क्लियर तौर पे, यहाँ पर आप जो भी इस एप्लीकेशन अंदर लिमिट लेंगे वो 10,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगी, ठीक है। और अभी जब आप फर्स्ट टाइम इसमें लिमिट लेंगे तो आपको यहाँ पर लिमिट मिलेगी कितना, 1,000 रुपये, ठीक है। 1,000 रुपये से लेकर के यहाँ पर 3,000 रुपये तक का फर्स्ट टाइम में लिमिट मिलती है। और जैसे जैसे आप पैसा चुकाते जाओगे, जैसे जैसे आपकी लिमिट इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है, और सबसे वंडरफुल एप्लीकेशन ये इसलिए लगता है दोस्तों कि ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स के पास कोई बिजनेस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो ये स्टूडेंट्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर सबको लिखा है साफ तौर से 1,000 रुपये की जैसे आपको लिमिट मिलेगी, 90 दिन के लिए टेन्योर होगा, इंटरेस्ट 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ प्रोसेसिंग फीस लगती है, प्रोसेसिंग फीस लगती है। अब जैसे 1,000 रुपये, 152 रुपये यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस बता रहे हैं, ठीक है। 28 रुपये GST, तो टोटल मिला करके यहाँ पर 180 रुपये ये काटेंगे, ठीक है। और आपको रिपेमेंट करना होगा 1,180 रुपया। तो ये काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन मुझे लगा है दोस्तों, टॉप एप्लीकेशन है ये। चलिए मैं अपना अकाउंट ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमने अपना एप्लीकेशन ओपन किया, और यहाँ पर मैं अपनी लिमिट आपको दिखा देता हूँ कि मुझे यहाँ पर कितनी लिमिट मिली है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर मुझे लिमिट मिली है पूरी 1,000 रुपये की, ठीक है। 1,000 रुपये की मुझे लिमिट मिली है, और इस लिमिट को मैं जब चाहूँ एनी टाइम एनी वेयर UPI के थ्रू पेमेंट जो है बैंक अकाउंट में ले पाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1,000 रुपये पे सर्विस चार्ज 60 रुपये लग जाएंगे, और मेरे बैंक में रिसीव हो जाएंगे 940 रुपया, और 25 दिसंबर को मुझे ये रीपेमेंट करने होंगे, ठीक है। तो देखा जाए तो काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है भाई। 25 दिसंबर और आज है 25 तारीख, तो टोटली यहाँ पर 30 दिन का टाइम मिला है, लेकिन इंटरेस्ट बिल्कुल 0 है, सिर्फ 60 रुपये इनका प्रोसेसिंग फीस है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा मुझे एप्लीकेशन लगा। और दोस्तों आपको भी अगर इसको यूज करना है तो जाइए प्ले स्टोर पर इसको इंस्टॉल कीजिएगा, या फिर इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब डॉक्यूमेंट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या क्या नीड है, ठीक है। तो यहाँ पर हम गेट मनी पर क्लिक करते हैं, कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। तो देखो KYC के लिए देखो, यहाँ पर मेरा आधार कार्ड का जो वेरीफिकेशन कम्प्लीट है, ठीक है, ये भी कम्प्लीट है, ये भी कम्प्लीट है। अब यहाँ पर सिर्फ लेगा स्टूडेंट का ID कार्ड, और यहाँ पर रह गया कॉलेज डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये दो चीज़ें और मेरा सबमिट हो जाएगा तो मेरा जो पैसा है वो बैंक में विड्रॉ होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पर टोटली 5 स्टेप कंप्लीट करने पड़ते हैं, आपको इंस्टेंटली लिमिट मिलेगी, और इस लिमिट को आप विदाउट इंटरेस्ट के यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही यार, वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड को शेयर करें, जाइए प्ले स्टोर पर StuCard एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, या फिर लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से क्लिक करके आप इंस्टॉल करें। मिलेंगे नेक्स्ट नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।